अपन पहले जाएंगे दोनों साइड अभी बातें नहीं करेंगे। मेरी विनती है भोजन के समय जितना करना है कर लीजिए, बातें नहीं करेंगे, तुरंत जल्दी जितना हो सके उतना आएंगे, थोड़ा यहाँ पे आगे फैल जाएंगे ताकि मैं जो दिखाना चाह रहा हूं वो अपन समझ पाए। आ जाइए, वीडियो एक ही एक या दो जन ही ले रहे, बाकी सबको वीडियो मिल जाएगी साथ में। देखिए ये दूध पीते बच्चों का विभाग है, अभी गौशाला का विभाग शुरू हो रहा है, मेरी विनती है इधर भी थोड़ी शांति रखिए। ये दूध पीते बच्चे है दोनों विभाग, आप देखिए दूध पीते बच्चों का साइज देखिए और दूध पीते बच्चे देखिए घास पूरा खा रहे हैं, कुट्टी नहीं कर रहे, ये विभाग में भी कुट्टी नहीं कर रही, देखिए छोटे छोटे बच्चे पूरा खा रहे हैं। अगर ये चीज मैं माइक में बोलूं तो किसी को श्रद्धा नहीं होगी, आप नजर से देखिए तुरंत पता चलेगा, अभी बिना कुट्टी का इतना मोटा घास में गाय माता के छोटे छोटे दूध पीते बगड़े बच्चे कितने पीरे, और ये दूध पीते इतनी बड़ी साइज के क्यों हो गए, 15 दिन से 9 महीने के बच्चे हैं, 15 दिन से 9 महीने के बच्चे, आप उनकी साइज देखिए क्यों इतनी बड़ी होती है ना, उसका कारण क्या है, हम आधा ही दूध लेकर आधा उसके देते हैं, तो उसके बच्चे को उसका अधिकार का दूध मिला तो ये होता है उनकी चमड़ियों की चमक आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दूध पीते बच्चों का ये साइज कैसे होता है, तो शोषण नहीं करना, पूरे भारत भर में आधा ही दूध देने की परंपरा थी आधे उसके बछड़े का था आजादी से पहले, तो वही परंपरा हमने थोड़ा अनुभूति किया पहले दिन से हमारे यही चल रहा है, तो तुरंत परिणाम मिलता है और दूध पीते बच्चों का भी ये साइज होता है। अभी अपन जाएंगे इधर ये गाय बाजू के पार्ट में, तो थोड़ा इस बाजू फैल जाएंगे ताकि मैं सभी विषय को डीप में समझा पाऊंगा, बातें अभी नहीं करेंगे, बातें बाद में करने का पूरा है, पूरा रास्ता पड़ा हुआ, एक सभी को सुनाई दे रहा है, थोड़ा ये साइड में आ जाइए ताकि वहां से दूर से मैं उंगली करूं तो दिखाई देगा, नहीं तो आगे वालों को दिखाई नहीं देगा, थोड़ा आगे ये साइड में हो जाइए, मैं यहां से पूरा दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा ये साइड में आ जाइए, पीछे हो जाइए। देखिए ये विभाग दूध देने वाली गौ माताओं का है, यहाँ पे कोई गौ माता को बांधा नहीं गया है, अपनी मर्जी से खाती यहाँ पे भरा पड़ा हुआ है, अपनी मर्जी से बैठेगी, अपनी मर्जी से पानी पिएगी, धोने के समय जिसको नाम बोलेगी वो दूध देने के लिए बाहर आ जाएगी सभी के नाम, उधर से 10 दिन का बच्चा भी माँ का नाम लेके वही बच्चा दूध देने के लिए बाहर आ जाएगा। ये जो चिंतबरी गाय माता जो सामने खड़ी ना अभी चली हो, वो 11 बच्चे थे जो कि 12 पेट में हल थे, अभी भी उसका ऊंचा है लंबाई स्ट्रेंथ वगैरह थी कि अभी भी जब चाहती है ये निकलती किसी उम्र वाली उसका भी चमड़े का चमक आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे सूखे की कभी जिक्र ही क्या है ना, सभी गायों की चमड़ी, ये नंदी भी जो खड़े हुए हैं वो नंदी 3.5 साल के आजू बाजू के हैं, 3.5 साल में वो नंदी जी का आप साइज देख सकते हैं। मेरी विनती है फिर भी अभी भी बातें अभी थोड़ी देर बंद करेंगे तो ये विषय चलेगा, ये नंदी जो खड़ा हुआ है वो 3.5 साल का नंदी है, और 3.5 में ये साइज कैसे हुई, तो जब बैलेंस फूड दिया जाता है अच्छा संवर्धन दिया जाता है उसको विषय के प्रश्नों पर निकलता है, तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको सूखे की कमी दिख रही है तो कम करने में अच्छे से अपन पालन कर सकते हैं, जरूरत है हमें थोड़ा प्रॉपर जाने की, और यहाँ पे जैसे नंदी है ऐसे हर विभाग में नंदी अलग अलग है, 18 गोत्र की गाय है यहाँ पे, भावनगर के राजा, मोरगे राजा, जूनागढ़ नवाब के वंशज, ये नंदी की बछड़ी उस विभाग में जाएगी, उस नंदी की बछड़ी उस विभाग में जाएगी, ना इनब्रीड होगा ना क्रॉस ब्रीड होगा, उसी संदर्भ में सारा विषय चलता है। जैसे ये कबरी गौ माता खड़ी हुई काली काबरी, वो 2 साल में 15 दिन बाकी थे तब ब्याह गई थी, हमारे यहां पे 1 से 1.25 साल में हिट में आ जाती है, ये इसके बाजू में ना उसकी बछड़ी है, ये अभी 1.5 साल की हुई है और गाभिन हो गई है, 2 से 2.25 साल में 80% बछड़ियों का पहला ब्याह हमारे यहां हो जाता है, वो क्यों होता है वो अपन गाय के विषय में चलेंगे, तो लोग बोलेंगे कि ऊंचाई लंबाई नहीं बढ़ेगी तो इसमें कोई कमी है क्या, अभी गिर में सब जगह पे शॉर्ट हो रहा है, तो ये वापिस जो ट्रेंड पे हम लोग आ रहे हैं उसका कारण एक ही है, बैलेंस आहार देना, अच्छा संवर्धन करना, जब उसको अच्छे से अपन ऑर्गेनिक चारा देते हैं तो उसका ये परिणाम मिलता है। अपने कोई भी वाड़े में आप देखेंगे सभी लोग कोई भी वाड़े में देखेंगे चाप कटिंग है ही नहीं, देखिए पूरा पूरा घास गौ माता खा रही है, जिसको भूख है वो खाएगी, भूख नहीं है वो बैठेगी, कच्चा भी कच्चे तो बैठे, गंदे तो बैठे, पक्के तो बैठे, पक्के तो आइए हमारा
एक हो गए कांटी भाई। आप सभी लोग देख सकते हैं कि सभी में चमड़ियों की चमक, अभी लंपी का और वायरस का सब जगह पे माहौल है। उस माहौल के अंदर आज आप गांव माता की चमड़ियों की चमक देख सकते हैं, है ना। ये मोचा है, ये लंबा है और चमड़ियों की चमक आप अलग अलग वार्ड में देख सकते हैं कि अभी लंपी का जो सीजन चल रहा है, दूसरी सारी दिक्कतें चल रही है देश में, उस बीच में ये गौ माता का स्वास्थ्य, जब गौ आधारित हमने चारा उगाया तो क्या हो सकता है और कैसे वो करते हैं, वो विषय मैं आगे चलाऊंगा। इसमें भी एक नंदी और इसमें भी एक नंदी जी के उल्टा खड़ा है, वो 6.5 साल का है। तो सभी भगवान में एक नंदी होगा तो सारा नेचुरल सर्विस होता है, हमारे यहाँ पे AI नहीं होता है, तो एक भी गाय का नहीं हो रहा है, कुदरती स्वरूप से सारे संभल होते हैं। आइए कोई भी बंदा इनको हाथ लगा के देख सकता है कितने शांत है नंदी जी, और नंदी जी कैसे होने चाहिए। जब हम प्रेम देते हैं तो सामने वो प्रेम छोड़ते हैं, तो हमारा एक ही मामला होना चाहिए कि सामने जितना गुस्सा उतना यहाँ से ज्यादा प्रेम छोड़ो। आइए अभी अपन एक बजे का समय मेरे ख्याल से हो गया, 1 मिनट बाकी है, तो अपन गुरुकुल की तरफ जाएंगे भोजन की तरफ। और मुख्य सत्र अपना भोजन के बाद, जो घास देख रहे हैं वो भी अलग वेराइटी दिखेगी सेम ही, और ये भी यहाँ पे बच्चों के द्वारा लगाई हुई थी। और अभी यहाँ पे जो छोटे छोटे पाले दिख रहे हैं वो गोबर के ऊपर हमने गौ कृपा अमृतम डाला हुआ है, और गोबर का कंपोस्ट जो हम केचुए से बनाने जाते हैं, जो वर्मी कंपोस्ट होता है, वो 1 टन बनाने के पीछे लगभग 1500-2000 रुपए लेबर लग जाती है ना। कुत्ते बिल्ली भी आकर के खाते, पक्षी आकर के खाते, उसको बचाना, खाप मारना, ये सिर्फ 30 रुपए में 1 टन खाद तैयार हो जाता है इसके सामने, और उससे अच्छी गुणवत्ता का उसके लैब टेस्ट हो गए। तो मेरे ख्याल से जो वैज्ञानिक भाई साहब है और 2-3 अच्छे किसान, वो गोबर को उठा के आप देखिए वो कंपोस्टिंग का प्रोसेस चालू है, फक्त 60 दिन में वर्मी कंपोस्ट से भी अच्छा खाद बन जाता है, और उसकी अपन एक थोड़ी बात करेंगे। यहाँ पर भी गुरुकुल के बच्चों के द्वारा कुछ सब्जी वगैरह प्लांट लगा रहे, और पीछे अपन नया वेराइटी इधर और लगा रहे, तो इधर अभी प्लॉट बाकी है जो काली चिकनी वाला था। तो 2 जन यहाँ पे केचुआ की जरूरत ही नहीं है, ये बैक्टीरिया से कंपोस्ट हो जाता है और केचुए से भी अच्छा होता है, और कभी भी इसमें ट्राइकोडर्मा का भी नहीं, इसके अंदर सब आ गया, वो अपना बैक्टीरिया उसमें 100 बैक्टीरिया जीनस है। तो ये आप देखेंगे कि खाद ब्रिज किस प्रकार का बना है, अगर कोई खाद बना रहा है क्या केचुआ खाद या कोई, तो आप जाकर के देखिए उसको, महसूस करिए और सबको बताइए कि क्या लग रहा है आपको, क्योंकि आपके मुख से ही ये बातें समझ नहीं, आपके हाथों से आप महसूस कीजिए ये गोबर का वास आ रहा है क्या, वो बताइए कोई आकर।
क्या बना तो इसके ऊपर हमने गोबर का 2x2 का पाला बनाया लंबा, उसके ऊपर गौ के रूप अमृतम छिड़का, नमी बना के रखा, बात खत्म। एकदम सुपाच्य स्वरूप में 1200 कंपाउंड वाला दुनिया का श्रेष्ठ आपके पास तैयार हो जाएगा। अभी किसने किसने हाथ में लिया ये आकर के अनुभव कथन करे यहाँ थोड़ा। मिश्रा जी उससे तो बढ़िया है, मतलब जैसे ही है उससे बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बनता है। क्या अनुभव लग रहा है? बहुत अनुभव अच्छा है। ये हमने मैं 5-7 साल से ये जैविक का कर रहा था और ये आलिए वाला भी, लेकिन इससे ये 100 गुना अच्छा खाद बना। इसमें लेबर ज़्यादा है, उसमें 7-8 दिन तक तो उसमें 8 दिन में छाछ डालनी पड़ती है, जैसे बेसन का आटा डालना पड़ता है। इसमें केवल ये एक ही प्रयोग से अच्छा खाता है। डालने के कितने दिन के बाद ये? सभी को विनम्र निवेदन ये है कि इसमें सीखने की बात जो ये है, जो भाई साहब ने बताया कि अगर आज की डेट में सबके घरों में एक गौवंश, दो गौवंश या भैंस भी है, तो आप अपने गोबर को गड्ढे में डालें और एक गाय कम से कम 5-7 किलो गोबर देती है और एक भैंस कम से कम 8-10 किलो गोबर देती है। तो अगर महीने का अपन कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे 1 बीघा के लिए फुल बर्मी कंपोस्ट बन जाता है। ये आप सब लोगों से निवेदन है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कितने दिन की प्रोसेस का मतलब तैयार है? ये 50 दिन का है। 50 दिन में तो सर केचुआ खाद में तो नहीं होता है, समय लगता है उसमें। बिल्कुल ना, और ये तो 50 दिन का है, इससे अच्छा अपन 30 दिन में इसको बना सकते हैं। यही चीज हम दोपहर के बाद सीखने वाले हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप एकदम शांत मन से देखिए मैं बोल रहा हूं, वो अपने खेत में जाके छोटा सा प्रयोग करिए, मैं बोल रहा हूं जमीन पे दिख रहा है, फिर दबा के अपन मिलके काम करते हैं। और किसी को कोई अनुभव इस गोबर के विषय में कहना है तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।